हेलो एवरीवन, आपने पहले किया था आय उपभोग वक्र की रचना, तटस्था वक्र तथा कीमत रेखा के द्वारा आय उपभोग वक्र। इससे पहले आय प्रभाव जाना था। आय प्रभाव है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव आज हम जानेंगे आय उपभोग वक्र के द्वारा किस प्रकार से एंजल वक्र का निर्माण किया जाता है या आय रेखा का निर्माण किया जाता है। तो आज हम जानेंगे एंजल वक्र या एंजल रेखा। 19वीं शताब्दी में जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर एंजल ने यह बताने का प्रयास किया कि उपभोक्ता का उसकी विभिन्न आय के स्तरों पर जो मांगी जाने वाली मात्रा निर्धारित होती है उसे हम आय प्रभाव के द्वारा जान सकते हैं। इससे पहले तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा यह आपने जाना कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो साधारणतया वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदता है। और तटस्थ वक्र के द्वारा हम इसका विश्लेषण करना चाहें तो तटस्थ वक्र केवल दो वस्तुओं के उपयोग को बताता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो साधारणतया वह दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद के अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है, और इसे हम कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के साम्य से समझा सकते हैं। इसके लिए जैसे मान्यता ये जरूरी था कि उपभोक्ता का आय प्रभाव देखने के लिए दोनों वस्तुओं की कीमतों का दिया हुआ होना आवश्यक है तथा उपभोक्ता की आय का दिया हुआ होना आवश्यक है, तब तो हम कीमत रेखा प्राप्त करते हैं। लेकिन आय प्रभाव जानने के लिए दो वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी साम्य स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। उस साम्य स्थिति को मैं रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रारंभिक कीमत रेखा MN होने पर एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति IC1 के A बिंदु पर है, जहां वह X की OX मात्रा और Y की AX मात्रा प्राप्त करता है। अब दोनों वस्तुओं की कीमतें तो स्थिर हैं, केवल उपभोक्ता की आय बढ़ जाए बढ़ने पर कीमत रेखा दाईं ओर विवर्तित हो जाती है और समानांतर रूप से जितना अंतर पहले था उतना अंतर बाद में होगा। समानांतर समानांतर इसलिए क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर है, इसलिए इस कीमत रेखा का जो ढाल है वही इस M1 N1 कीमत रेखा का ढाल रहेगा, स्लोप वही रहेगा। लेकिन उपभोक्ता की साम्य स्थिति पहले से बदल जाएगी, अब वह ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर वाला तटस्थ वक्र हमेशा नीचे वाले की तुलना में अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। अब उपभोक्ता का साम्य A से B पर हो जाएगा। इसी तरह से और आय बढ़ने पर उपभोक्ता की आय और बढ़ जाती है तो कीमत रेखा और ऊपर की ओर विवर्तित हो जाती है और इसका साम्य इस तरह से ऊपर की ओर निर्धारित हो जाता है। अब उपभोक्ता का साम्य सी पर हो जाता है, वह पहले से अधिक मात्रा एक्स की खरीद रहा है। एक्स और वाई दोनों की मात्रा ओ वाई एक्स पर हम वाई कमोडिटी या वाई वस्तु और ओ एक्स एक्स पर हम एक्स वस्तु को माप रहे हैं। आप देख रहे हो ये कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के द्वारा आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की साम्य स्थिति बदल जाती है। इन बदली हुई साम्य स्थितियों को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है वह इनकम कंजम्पशन कर्व आय उपभोग रेखा कहलाती है। और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आय उपभोग वक्र का जो स्वरूप है इसके द्वारा हम एंजल वक्र या आय रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए हम रेखा चित्र बनाएंगे नीचे की ओर, जिसमें ओ एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटी या एक्स वस्तु जबकि ओ वाई एक्सिस पर हम इनकम या उपभोक्ता की आय को मापेंगे। और ये क्लियर है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है और अन्य चीजें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, या अन्य बातों से मतलब है एक्स वस्तु की कीमत स्थिर रहे वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव जब वस्तु की मांग पर पड़ता है तो उसे आय प्रभाव कहेंगे। तो आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसकी अधिक मांग करता है। तो इसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए 10
आई बढ़, ये ओ बाई एक्स पर हमने आई को मापा है और ऊपर से क्वांटिटी को हम नीचे तक लेके आएंगे, जो ऊपर क्वांटिटी क्योंकि आय में वृद्धि के कारण ऊपर की क्वांटिटी निर्धारित हुई है। ये नीचे वाली रेखा को मान ले कि मान लीजिए यहाँ ये 10, एक उपभोक्ता की आय अगर 10 है तो ये पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। आय बढ़ने पर कीमत रेखा ऊपर की ओर परिवर्तित हुई है। देखिए परिवर्तित होती है आय, लेकिन ये कीमत रेखा विवर्तित होती है, नाम इसका कीमत रेखा दिया गया है क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर और उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है या कम होती है तो कीमत रेखा ऊपर की ओर या नीचे की ओर विवर्तित हो जाती है। तो ऊपर होने पर आय का बढ़ना, नीचे होने पर आय का कम होना। तो यहाँ हम ए से बी पर चलते हैं तो ये एक्स की मात्रा पहले से बढ़ जाती है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। आय 10 होने पर इतनी मात्रा एक्स की ले रहा था। इसी तरह से आय बढ़ने पर नई कीमत रेखा M1 तो बी बिंदु पर साम्य में है जहाँ एक्स की X1 मात्रा, तो ये X1 मात्रा ₹20 आय होने पर इतनी मात्रा ले रहे हैं। इसी तरह से और आय बढ़ गई तो वह सी बिंदु इतनी मात्रा और आय के बढ़ने पर एक पॉइंट हमें यहाँ मिलता है 30 हमने अगर ये मान लिया, तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वह आय रेखा कहलाती है, इनकम रेखा। क्या आय रेखा क्या बता रही है कि जिस तरह से जितनी इतनी आय होने पर उपभोक्ता इतनी मात्रा एक्स की ले रहा था, आय 10 होने पर ओ एक्स मात्रा, आय के बढ़ने पर एक्स की मात्रा में भी वृद्धि, आय के और बढ़ने पर इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह पहले से अधिक वस्तु प्राप्त करता है और आय कम होने पर वह पहले से कम वस्तु प्राप्त करता है, इसे हमने आय उपभोग वक्र के द्वारा किस तरह से एंजल वक्र, क्योंकि सर्वप्रथम इसे प्राप्त किया था, इसे ज्ञात किया था प्रोफेसर एंजल ने, इसलिए इसे एंजल वक्र के नाम से जाना जाता है। तो आज आपने ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से आय उपभोग वक्र या तटस्था वक्र और कीमत रेखा की सहायता से हम एंजल वक्र का निरूपण कर सकते हैं, एंजल वक्र को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आय तथा मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। थैंक यू।